हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने वीवो एक्स 90 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की नेटवर्क की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फ़ोन में कभी भी नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है ना, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपके मोबाइल फ़ोन की नेटवर्क सेटिंग को आपको रीसेट कर देना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल फ़ोन की नेटवर्क सेटिंग जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं करती, जिसकी वजह से हमारे फ़ोन में नेटवर्क की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आपको मोबाइल फ़ोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करने के लिए मोबाइल फ़ोन सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके अंदर आपको है ना सबसे नीचे की साइड ये सिस्टम का ऑप्शन मिलेगा, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये रीसेट ऑप्शन मिलेगा, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको सबसे ऊपर ये रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ का ऑप्शन टैप करना है। तो ये तीन सेटिंग जो ना आपके मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग में इंक्लूड रहती है पहले से। आपको नीचे की साइड इसे रीसेट सेटिंग पे टैप करना है। अब आपको इस पेज में अपने फोन का स्क्रीन लॉक एंटर करना है। इसके बाद आपको इसे राइट क्लिक करना है, तो आपको नेक्स्ट पेज में सबसे ऊपर लिखा हुआ मिलेगा रीसेट ऑल नेटवर्क सेटिंग। तो आपको नीचे की साइड इसे रीसेट सेटिंग पे टैप करना है। नीचे की साइड लिखा हुआ आ जाएगा नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट। इस तरीके से आप जो है मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर देंगे, तो आपके फोन में जो नेटवर्क की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस करना क्या है, देखिए आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन को रीस्टार्ट कर लेना है। ठीक है, रीस्टार्ट करने के लिए आपको मोबाइल फोन के साइड में जो पावर बटन होता है इसे आपको उंगली से दबा के रखना है, तो आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा इस तरीके का। ठीक है, आपको इसमें जो है ना ये रीस्टार्ट का ऑप्शन मिलता है, रीस्टार्ट पे टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन जो है ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से क्या होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो वो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए हमारा मोबाइल फोन हैंग करता है, नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो है वो सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से। एक बार अपने फोन को रीस्टार्ट जरूर कीजिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है, देखिए मोबाइल फोन में आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन की APN सेटिंग को रीसेट करना है। APN सेटिंग को रीसेट करने के लिए मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके अंदर आपको सबसे ऊपर ये ऑप्शन मिलेगा नेटवर्क एंड इंटरनेट का, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन टैप करना है। इसके बाद आपको अपनी सिम सेलेक्ट करनी है, जिस सिम से आपकी नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। इसके अंदर आपको जो है नीचे की साइड ये एक्सेस पॉइंट नेम का ऑप्शन टैप करना है, तो आपका ये APN का पेज ओपन होगा। APN के इस पेज में आपको है ना सबसे ऊपर ये 3 डॉट का ऑप्शन टैप करना है, तो आपका एक छोटा सा पेज ओपन होगा रीसेट टू डिफॉल्ट का। आपको रीसेट टू डिफॉल्ट पर टैप करना है, तो नीचे की साइड लिखा हुआ आ जाएगा रीसेट डिफॉल्ट APN सेटिंग। तो आप APN सेटिंग को रीसेट कर देंगे तो आपके फोन में जो नेटवर्क की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों आपको अगला प्रोसेस करना क्या है, देखिए आपको अपने मोबाइल फोन का सिस्टम एक बार चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है मोबाइल फोन के सिस्टम का अपडेट आता है, हमें पता नहीं लगता है, तो मोबाइल फोन का सिस्टम जो है वो अपडेट ना होने की वजह से हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियां आने लग जाती है। तो मोबाइल फोन का सिस्टम अपडेट है या नहीं आपको कैसे चेक करना है, इसके लिए मोबाइल फोन का सबसे पहले इंटरनेट चालू करना है। इसके बाद मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये सिस्टम अपडेट का ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर अगर आपको कोई भी अपडेट का बटन या फिर डाउनलोड एंड इंस्टॉल लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप कर देना है। इससे क्या होगा, आपके फोन का सिस्टम जो अपडेट हो जाएगा और आपके फोन में जो नेटवर्क की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस करना क्या है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन को एक बार रीसेट कर देना है। ठीक है, देखिए आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट तभी करना है जब आपको जरूरत लगती है, तभी आपको रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोस्तों मोबाइल फोन को रीसेट करने के लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज का ओपन करना है। इसके अंदर आपको सबसे नीचे की साइड सिस्टम पे टैप करना है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेगा रीसेट ऑप्शन, इसे भी टैप करना है। अब इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का, फैक्ट्री रीसेट पर आप टैप करेंगे तो आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की नेटवर्क की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को ना रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फ़ोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आपको पहले तो किसी दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लेना है, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फ़ोन में जीमेल आईडी होती है, जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। ठीक है, तो ये दो काम आपको पहले कर लेने हैं, उसके बाद ही आपको अपने फ़ोन को रीसेट करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी प्रोसेस बता दिए सारे प्रोसेस आप फॉलो कीजिए, तो आपके फ़ोन में जो नेटवर्क की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी।